इस साल ट्रंप अमेरिकी चुनाव से पहले भारत आ सकते हैं। हिंदुस्तान टाइम के अनुसार जिस तरह अमेरिका में हाउडी मोदी का कार्यक्रम हुआ था, ठीक उसी तरह से ट्रंप के लिए भी अहमदाबाद में कार्यक्रम रखा जा सकता है। हालांकि अभी मीडिया रिपोर्ट आ रही है। अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर मोदी और ट्रंप की जुगलबंदी देखने को मिलेगी। इससे यह भी पता चलता है कि दुनिया कितनी सिमटती जा रही है। मोदी ट्रंप की दोस्ती की बात करें तो ट्रंप ने हर बार मोदी के फैसले का समर्थन किया, मगर मोदी ने भी ट्रंप को निराश नहीं किया। अमेरिका में हाउडी मोदी इवेंट में दिल से समर्थन किया और अब अपने गृह राज्य में लाकर स्वागत करने की तैयारी में है। इससे ना कि दोस्ती बढ़ेगी बल्कि भारत अमेरिका के संबंधों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। अगर हाउडी मोदी जैसा इवेंट अहमदाबाद में होता है तो इससे अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को जबरदस्त फायदा मिलेगा। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक यह तय हो गया है कि ट्रंप फरवरी महीने में भारत आएंगे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। माना जा रहा है कि ट्रंप भारत के 3 दिन के दौरे पर आएंगे, जिस द्वारा वो नई दिल्ली और अहमदाबाद भी जा सकते हैं। अमेरिकी चुनाव के मद्देनजर ये बहस जोरों पर है कि हाउडी मोदी जैसा इवेंट भारत में भी हो सकता है। सभी को पता है कि अमेरिका में भारतीयों का अच्छा खासा प्रभाव है। अमेरिकी चुनाव में भारतीय निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इसी को देखते हुए कुछ ऐसा लगता है कि हाउडी मोदी जैसा इवेंट भारत में भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका में रह रहे भारतीयों पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वो ट्रंप के समर्थन में वोट कर सकते हैं। बता दें कि अमेरिका में गुजरातियों की संख्या भी बहुत है और वो ट्रंप के लिए अहम वोट बैंक साबित हो सकते हैं। अमेरिका की बात करें तो वहां भारतीयों की संख्या करीब 40 लाख है, जो कि अमेरिका का 1.3% है और उनका अमेरिका की राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव है। इस आबादी ने 2020 में राष्ट्रपति अभियानों के लिए लगभग $3 मिलियन से अधिक का योगदान दिया है, जो कि हॉलीवुड के प्रतिष्ठित दान देने वाले से अधिक है। इसी कारण से दुनिया और सबसे ताकतवर देश अमेरिका में भारत की लोबी इतनी मजबूत है। ऐसे में मोदी ट्रंप जब एक मंच पर होंगे तो नहले पे दहला साबित होगा। ऐसे में जब हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था तो मोदी ने खुलकर ट्रंप का समर्थन किया था। उधर ट्रंप ने भी मोदी के किसी फैसले का विरोध नहीं किया, चाहे वो पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक हो या बालाकोट में एयर स्ट्राइक, जिससे पाकिस्तान को आतंकवाद पे फंडिंग मिलना बंद हो गई।